तो बच्चों एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल प्री क्लासेस में। इस क्लासेस के माध्यम से हम लोग का बच्चों मकसद जो है वो है कि जो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अलग मार्गदर्शन के लिए जो है आज की डेट में पैसों की कमी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं कहीं पर भी पढ़ने के लिए, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जिस प्लेटफॉर्म में सभी विषयों के बहुत मंझे हुए अध्यापक टीचर आपकी मदद के लिए रहे। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको पता ही है कि मैं आपको क्लासेस लूंगा आपकी 9 to 12 कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन की, और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेंगे। 2 अगस्त से आपको ये लेक्चर मिलने स्टार्ट हो गए होंगे, पर डे आपको 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे। मैं बता दूं ना केवल ये टॉपिक वाइज लेक्चर रहेंगे बल्कि हर एक दो टॉपिक में जो भी आप मान लीजिए, या एक टॉपिक में या दो टॉपिक में मान लीजिए, आपको जिस लेक्चर को आप देख रहे होंगे उसी के डिस्क्रिप्शन में या तो आपको कुछ संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे या कुछ उसका पेपर मिलेगा एमसीक्यू टाइप का या कुछ भी इस तरह का मिलेगा। तो मेरा एक सलाह है आप सभी को कि एक बार जो है वो जाके अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब भी आप देखिए तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात कि आप हम लोगों को देखने के लिए आपके पास में सबसे अच्छी बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे होते हैं स्कूल्स वगैरह के, बच्चों के पास फोन्स नहीं होते हैं, एंड टाइम पे जब लाइव क्लासेस चल रहे होते हैं तो हम लोग जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड करके भेज रहे हैं वो आप अपने हमेशा जाइए हमारे चैनल पे फ्री क्लासेस में, और प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आप कमेंट में छोड़ देंगे, उसका जो भी संबंधित टीचर होगा वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगा। तो आज हम लोग फिलहाल आज अपना पहला टॉपिक क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज हम लोग का जो टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा हमारा कोर्स लेआउट, कि हम लोग 9 क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा कोर्स लेआउट जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करा जाए, और बिना किसी प्रकार के समय को बर्बाद करे हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि हमारे पास जो सिलेबस है वो हमारा कटा हुआ है, कटा हुआ इन द सेंस कि लास्ट में आपको पता है कोविड के वजह से 30-30% सिलेबस कम कर दिए गए थे, बट हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा पढ़ाएंगे। पूरा का मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा कट गया है तो वो हम छोड़ देंगे, आपको एक बात नहीं, आप मान लीजिए 2 साल बाद इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो भी ये आपके यूज में रहेगा। तो चलिए बच्चों फिर हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हमारा जो सिलेबस है क्लास 9 का हम लोग देखने वाले हैं आज, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्लास भगवान का नाम हो जाए, कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले तो मेरी माता रानी जिन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा, मैं उम्मीद करता हूँ आपके ऊपर भी रखा होगा, और मेरे साईं बाबा जिनकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रही है। तो ओम साईं राम जय माता। जिस मकसद से हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है डेफिनेटली वो पूरा हो, और हर एक वो बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है कहीं किसी पैसों की वजह से या किसी प्रकार की दिक्कत से, तो वो बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 यूपी बोर्ड का सिलेबस, है ना। यूपी बोर्ड आपको पता है स्टेट बोर्ड है, बट इसका जो सिलेबस है वो बहुत सारे हमारे जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनसे भी मैच करेगा, ऐसा नहीं कि केवल आपका उसी में ही आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा बच्चों टॉपिक आता है वो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। जो फर्स्ट टॉपिक आप सीखोगे वो सीखोगे आप कंप्यूटर फंडामेंटल।
अब कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर एक तरह से कह लो कंप्यूटर का बेसिक भी आप इसको बोल ही सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा ये कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसके अंदर बच्चों आपको सबसे पहले तो मिलेगा इंट्रोडक्शन, पढ़ने के लिए। उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन के बाद में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए उसका हिस्ट्री क्या है, उसकी कब इन्वेंट हुआ, कब से शुरुआत हुई है। लाइक पुराने जमाने के जो कंप्यूटर है, लाइक बेबेक इंजन, डिफरेंस इंजन, पास्कल कैलकुलेटिंग मशीन, बहुत सारे जो हमारे वो हैं, वो सारे हमारे कैसे अवेलेबल हुए, वो सारा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री हो गई बच्चों। हिस्ट्री के बाद आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको मोटा मोटा वो लिख के बता रहा हूं जो बोर्ड हम लोग को देता है पढ़ाने के लिए। बोर्ड ने जो टॉपिक किए, अब इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो जब आपको इस उस चीज का लेक्चर पढ़ने को मिलेगा तो आपको वो भी, आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे क्लासिफिकेशन है, तीन तरह के क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू जनरेशन है, अकॉर्डिंग टू आपका साइज है, तो वो अलग अलग आपको पढ़ने मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी है उसका, है ना, तो वो भी आपको डेफिनेटली पढ़ने को मिल जाएगा। फिर हमारा है बेटा ब्लॉक डायग्राम, हमारा कंप्यूटर का क्या है ब्लॉक डायग्राम। और हमारा मिलेगा पढ़ने के लिए ब्लॉक डायग्राम के बाद में, ब्लॉक डायग्राम के बाद में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और इसके बाद में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपको जो है बच्चों वो पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा आपको, आपके अपने फ्री क्लासेस के अंदर। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके अलावा दो टॉपिक और हैं जो हमारा हटा दिया गया था इस साल, बट वो मैं आपको जो क्लास में दूंगा ही दूंगा, वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। और है बच्चों इंटरनेट, ये पता नहीं क्यों उन्होंने 9 क्लास के सिलेबस से इस साल 30% जो सिलेबस कम किया उसको हटा दिया। तो बच्चों ये है हमारी यूनिट 1, और इस यूनिट से मैं चाहूंगा आप अपनी एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए बिल्कुल फ्री, और उस फ्री फ्री का नाम आ रहा, बिल्कुल अच्छी सी कॉपी बनाइए, और उसमें जैसे जैसे मैं कराता जाऊं बिल्कुल वैसे वैसे आप करते जाइए। विश्वास मानिए आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बेझिझक मेरे से आके डिस्क्रिप्शन में अपना डाल दीजिए क्वेश्चन और मैं उसको आंसर करूंगा। तो ये यूनिट 1 है, और ये बेटा यूनिट 1 आपकी जो है वो काफी अच्छे मार्क्स की आती है। आप मान के चलो कि अप्रोक्स 10 मार्क्स की जो है, अप्रोक्स 10 मार्क्स की आपको ये मिल जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल्कि आपको मैं एग्जैक्टली भी बता सकता हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपका आएगा 15 मार्क्स का। तो ये हमारा जो सेक्शन हो गया वो हमारा बेटा हो गया पहला। अब हम लोग अपना दूसरा वाला पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। अब हमारी यूनिट 2 है, तो हमारी जो यूनिट 2 है बेटा वो किस नाम से है, वो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम और अब हो सकता है आपकी बुक में 19-20 कुछ अलग दिया हो, बट ये मेरा बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो
तो यूनिट टू में है कंप्यूटर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए डिजिटल और एनालॉग ऑपरेशंस के बारे में। तो पहली चीज जो आपको पढ़ने को मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों, डिजिटल एंड एनालॉग। फिर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए बाइनरी डाटा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमको पर्टिकुलर जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है तो मजा कैसे आएगा, फिर आपको एक्साइटमेंट कैसे रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सिलेबस पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग के जो लेक्चर आएंगे उनको बहुत ध्यान से बैठ के समझ के आप अच्छे से मेहनत करके करेंगे। तो डिजिटल हो गया आपका, बाइनरी डेटा हो गया। बाइनरी डेटा के बाद में आपका बच्चों क्या आता है, बाइनरी डेटा के बाद में आपका आ जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आएगा और नंबर सिस्टम होगा आपका इसके बाद। अब नंबर सिस्टम में प्रकार हैं अलग अलग जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रकार हैं, एक तो आपका है नंबर सिस्टम में ही आपका एक आता है कौन सा बेटा, डेसिमल। डेसिमल जो आप पढ़ते हो, डेसिमल के बाद में आपका ऑक्टल, बाइनरी, ये सब आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और बच्चों हेक्साडेसिमल, तो ये आपको पढ़ने को मिलेंगे ठीक है। और साथ में कन्वर्जन डेफिनेटली हर एक से एक दूसरे में कन्वर्जन, और फ्रैक्शन कन्वर्जन भी मिलेंगे, बट वो फ्रैक्शन सिर्फ दो होंगे, एक बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, वो मैं आपको करा दूंगा, लिख नहीं रहा हूँ। फिर आपका बच्चों जो है वो आपका हो गया, ये आपकी यूनिट टू हो गई, और यूनिट टू आपकी ये जो आएगी ये आएगी आपकी बच्चों 5 नंबर्स की, ये आपकी आएगी 5 नंबर्स की। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कौन सी कितनी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है। फिर हम लोग बेटा बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 हमारी, यूनिट 3 दिख रहा होगा आपको, थोड़ा पतला हो गया था पेन। यूनिट 3 में हमारा बच्चों क्या है, यूनिट 3 में है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं कि नहीं, ठीक है चलिए। तो यूनिट 3 में है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बेसिकली दो पार्ट में बटी हुई है, एक बटा है यूनिट 3A और एक यूनिट 3B। तो जो यूनिट 3 है ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो जो 3A है, ए वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें आपका आएगा ऑपरेट, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के इसी में दूसरा क्या आएगा, फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन एंड फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है। नीचे लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर इसी में तुम्हारा जो तुम्हारा बी है उस बी में क्या आएगा, तुम्हारा बी में आ जाएगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लाइनेक्स ओएस। अब लाइनेक्स ओएस में आपको कई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, लाइक हिस्ट्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आपको लाइनेक्स GUI, और आपको मिलेगा पढ़ने के लिए डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी एक्सेट्रा। तो ये सारा आपको पूरा का पूरा जो है वो पढ़ने को
मिलेगा। इसके अलावा आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा आपका, ये हो गया आपका यूनिट थ्री। तो यूनिट थ्री का जो आपका बेटा नंबर होंगे, वो नंबर कितने होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट थ्री आपकी आएगी 10 मार्क्स की पूरी, ए और बी मिला के। यूनिट थ्री आपकी कितनी आएगी? यूनिट थ्री आपकी आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10 मार्क्स की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए आगे कि ना बढ़ा जाए? बढ़ना ही पड़ेगा यार, बिना आगे बढ़े कहाँ काम चलेगा, ठीक है। अगला है हमारा यूनिट फोर। तो हमारा जो यूनिट फोर है वो है हमारा यूनिट फोर ऑफिस। ऑफिस पहले ये ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के रेफरेंस पे था, और अब ये जो ऑफिस है वो लिनक्स के रेफरेंस पे है, ठीक है। तो ऑफिस ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है आपका, ये समझ लीजिए ऑफिस लिनक्स। तो ये आपका क्या है, ये है आपका क्या होता है लिनक्स में, क्या क्या है एक मिनट में देख लीजिए। ये सबसे पहले तो ये है कि एलिमेंट, मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस एंड इट्स वर्क। पहला है हमारा मेन एलिमेंट ऑफ ऑफिस एंड इट्स वर्क, मतलब आपका क्या क्या काम होगा और उसके एलिमेंट मेन कौन से हैं। दूसरा है आपका इसमें एलिमेंट ऑफ वर्ड, नॉट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट का होगा, तो एलिमेंट ऑफ वर्ड। और आपका होगा बच्चों एलिमेंट ऑफ शीट, अच्छा इसमें सिर्फ वर्ड ही है, शीट नहीं है, तो एलिमेंट ऑफ वर्ड हो गया। प्रोसेस हो जाएगा, किस प्रकार से ये हमारा प्रोसेस होगा, तो वर्ड के रेफरेंस में है। और बेनिफिट्स ऑफ वर्ड, ऑफ कंप्यूटराइज्ड वर्ड, ये आपका बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड वर्ड, ठीक है ना। पूरा लिख रहा हूँ, समझ में आपको आ गया होगा, ऐसा कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं बेझिझक। अगला ये हम, अच्छा ये कितने नंबर का आएगा ये मैंने बताया नहीं आपको, ये भी बेटा आपका आएगा 10 मार्क्स। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट करके चलिए। पूरा आपको 100 में से 70 नंबर का आता है, 70 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होगा, 30 नंबर इंटरनल होते हैं स्कूल के पास में, और उसके हिसाब से चलता है। 9th और 10th का यही हिसाब किताब है, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब हमारा हो जाएगा यूनिट फोर हो गई है, फिर यूनिट फोर के बाद में हमारा बेटा आएगा, एक मिनट रुकना, अच्छा ओ, अभी हमारा वो नहीं खत्म हुआ था, ठीक है, वो था वही, मुझे लगा कि वो है, शायद है नहीं क्या, बट वो है। तो एलिमेंट हो गया 10 मार्क्स में, और क्या क्या आएगा इसमें, आपकी शीट्स आएंगी, शीट्स आपकी एक्सेल जो एमएस में होता है उसके हिसाब से आपकी शीट्स चलती है लिनक्स में। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस होंगी, यानी पावर पॉइंट एमएस वर्ड के हिसाब से जो रहता है, तो प्रेजेंटेशंस होंगी आपकी, तो ये आपका मिला के होगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा चार्ट वगैरह क्या है वो सब आपका हो जाएगा। अब हमारा अगली यूनिट आती है प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगली जो हमारी यूनिट है वो है हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ये अच्छी बात क्या है, ये हमारी यूनिट नंबर है, एक मिनट, ये हमारी यूनिट नंबर है 5, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, इसमें हमारी आएगी प्रोग्रामिंग टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक हो जाएगी हमारी। प्रोग्रामिंग टेक्निक में हमारा क्या क्या रहेगा, प्रोग्रामिंग टेक्निक में हमारा आएगा, एक तो आपका आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एक मिनट।
एक तो आपका आ जाएगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग, क्या आ जाएगा? व्हाट इज प्रोग्रामिंग, और एक आपका आ जाएगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग के बाद में आपका आ जाएगा एल्गोरिथम, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं एल्गो, फ्लो चार्ट, और आपका आ जाएगा फ्लो चार्ट के बाद में, फ्लो चार्ट के बाद में आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्लो चार्ट के बाद में आपका आ जाएगा ब्रांचिंग और लूपिंग। ब्रांचिंग और लूपिंग, ठीक है। फिर हमारा सिक्स्थ, ये हमारी कितने नंबर की आएगी बेटा? ये आएगी हमारी 5 नंबर, ये हमारी 5 मार्क्स, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर आपका अगला हम लोग का जो है वो हमारा क्या होना है बेटा? वो हमारा होना है सी प्रोग्रामिंग, बट ये है हमारी बेसिक लेवल पे। बेसिक का मतलब है लूप्स तक ये कवर करेगी टॉपिक। तो इसमें आपका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद में आपका एडवांटेज हो जाएगा सी लैंग्वेज का, हिस्ट्री हो जाएगी, हिस्ट्री के बाद में वेरिएबल्स हो जाएंगे, कैरेक्टर सेट ये हो जाएगा आपका, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स हो ही गया, बताया दिया मैंने, एक्सप्रेशन लिखना है ना, और आपका इनपुट आउटपुट करना, और आपका डीसीएस, डीसीएस में मतलब होता है बेटा इफ एल्स के प्रोग्राम, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा। और एक और आएगा इसमें, वो होते हैं लूप्स, लूप्स यानी स्टेटमेंट। तो ये तुम्हारा बेटा प्रोग्राम था, और ये भी तुम्हारा कितने नंबर का आएगा? ये आएगा तुम्हारा 15 नंबर का। ये तुम्हारा कितना आएगा? 15 नंबर का। तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी? यूनिट 6। इसके अलावा एक छोटी सी यूनिट और है, उसको भी चलिए देख लेते हैं, और वो है हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 में कितना लगेगा आपका? यूनिट 7 हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इट्स बेनिफिट। यूनिट 7 में आपका क्या क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या है? इसके अंदर आपका कहाँ कहाँ पे आपका कंप्यूटर का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे कंप्यूटर का, तो वो सभी की सभी जो चीजें हैं वो आपके यहाँ पर है। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो इसमें। तो और अब जैसे वर्ल्ड कहाँ कहाँ होता है, हर जगह तो आज के डेट में कंप्यूटर का फील्ड है, उसके एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, और ये आपका जो बेटा ओवरऑल आएगा ये आपका आएगा 5 मार्क्स। अब इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल भी है आपका, जो कि प्रोग्रामिंग है तो प्रैक्टिकल भी होगा, तो हम लोग इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे, और साथ में प्रैक्टिकल के साथ में जो है वो हम लोग क्या कहते हैं थ्योरेटिकल भी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। मेरी एक सलाह है, एक एडवाइस है छोटी सी, कि आप इसको रेगुलर पढ़ते चलिए, आप इसको रेगुलर पढ़ते हुए चलेंगे, विश्वास मानिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं होगी।
बहुत आराम से बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी। ठीक है, बट ये है कि आप लगातार देखिए, अगर आप किसी बीच में इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, और फिर शुरुआत से लेक्चर को पढ़ना चालू करिए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगी। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय।